हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं दिखाऊंगी अपने घर का रूटीन वर्क कि मैं मॉर्निंग उठ करके क्या क्या काम करती हूँ और साथ में मम्मी का क्या क्या काम होता है, वो आज मैं इस ब्लॉग के द्वारा आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। तो मैंने तो सुबह उठ करके नहा धो करके पूजा कर ली है और उसके बाद मैं जो है मम्मी का काम करती हूँ और झाड़ू पोछा ये सब मैं बाद में करती हूँ। तो अब मम्मी की बारी है नहाने की, तो उसको उठाती हूँ और क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पाती है तो उसको बिस्तर से भी उठाना ही पड़ता है, सारा ए टू जेड काम उसका करना है। तो इसीलिए फिर लेट हो जाता है, इसलिए मैं पहले अपने काम निपटा करके उसके बाद फिर मम्मी का काम करती हूँ। तो अब है बारी मम्मी के नहाने की। तो सबसे पहले तो उसको बैठा देती हूँ कुर्सी में और जिससे कि उसका बेड शीट वगैरह जो भी सब धोने हैं तो वो धोने के लिए निकाल देती हूँ और फिर उसको धीरे धीरे इसी वॉकर से ही उसको पकड़ के खींच खाँच के जैसे तैसे बाथरूम में ले जाते हैं नहलाने धुलाने के लिए। और अभी काफ़ी कंडीशन ख़राब हो चुकी है तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देख ही सकते हैं। तो आज का जो मैं ये ब्लॉग बना करके दिखाना चाह रही हूँ उसके पीछे मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं अपनी मम्मी की कितने सेवा कर रही हूँ या हम किसी और को दिखाना चाह रहे हैं, जी नहीं। मैं ये अपने ब्लॉग के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग बोलते थे या जो लोग अभी भी बोलते हैं कि इनका बेटा नहीं है, इनका बेटा नहीं है, बेटियाँ हैं पर घर चली जाएंगी, पर घर चली जाएंगी कोई बात नहीं, पर माँ बाप की सेवा बेटा भी करता है तो बेटी भी कर सकती हैं, चाहे वो शादीशुदा हो, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस अपना दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हमारे माँ बाप को कौन देखेगा, फिर चाहे माँ बाप हो या सास ससुर, ये हमारा फर्ज बनता है कि बुढ़ापे में ऐसी कंडीशन में हम लोगों को उनको ही देखना चाहिए। क्योंकि कई लोगों को देखते हैं रास्ते में छोड़ जाते हैं, वृद्धाश्रम छोड़ जाते हैं। तो ये ब्लॉग उन्हीं लोगों के लिए ही है कि सेवा करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि ये वक्त का पहिया है। आज इनकी बारी है तो कल हम भी इसी कंडीशन की ओर जा रहे हैं। तो मम्मी का नहाना हो चुका है, उसको नहला के ले आई हूँ और दो जने तो लगते ही हैं पकड़ने में। और अब ला करके उसके बाल भी हम लोगों ने काट दिए क्योंकि फिर चोटी नहीं बन पा रही थी और संभाला भी नहीं जाता है, तो इसलिए हमने उसके बाल भी काट दिए। और बस ऐसी जो हमसे बन पाता है वो हम छोटी मोटी सेवा कर रहे हैं। और अब जो है मम्मी के बाल वाल बना लिए हैं, बाल कटिंग कर दिए हैं तो मम्मी अच्छी लगती है, क्यूट लगने लग गई है। और नहाने धोने के बाद तो पहाड़ी पिठिया तो बनता ही है, तो इसीलिए पहाड़ी पिठिया लगाया है और जिससे कि वो अच्छी लगती है लगाने के बाद। और अब बारी है इसके नाश्ता की। आज मैंने बनाया है कस्टर्ड और ब्रेड, क्योंकि ज़्यादा हार्ड खाना जैसे रोटी वगैरह भी वो कम खा पाती क्योंकि अभी उतने दांत भी नहीं है। तो सुबह अभी जो ब्रेकफास्ट बनाया मैंने थोड़ा सा कस्टर्ड बनाया क्योंकि वो दूध भी पीना पसंद नहीं कर रही है, इसीलिए मैंने कस्टर्ड बना दिया पतला पतला उसके पीने के लिए, और एक ब्रेड और एक कस्टर्ड से उसका हो गया ब्रेकफास्ट। और मेडिसिन है, थोड़ी देर के बाद दूंगी, बना कर रही है अभी। और बस अब है उसकी बारी सोने की। नहाया धोया खाया पिया और अब वापस सो जाना। आप लोग देख सकते हैं वो सो भी नहीं पाती है, अब उसको लौटाना, करवट भी हम ही लोग ही दिलाते हैं, कभी बोलते इधर को लेटा दो कभी उधर को लेटा दो, तो हम लोगों का सारा दिन ऐसे ही बीत जाता है, कभी इधर पलटना कभी उधर पलटना। अब वो थक चुकी है, ज़्यादा देर वो बैठ नहीं सकती, इसीलिए वो नहा के तुरंत ही सो जाती है, सुला ही देते हैं क्योंकि वो बैठ नहीं पाती, कमर में दर्द होता है। तो अब बचा मेरा बाकी का काम, मैंने झाड़ू पहले लगा लिया था, मैं पोछा लगा रही हूँ। बस हमारा जो है समर वेकेशन वो कुछ ऐसे ही बीत रहा है, इट्स ओके। और अच्छी बात है, इसी बहाने माँ बाप की सेवा करने का मुझे मौका मिल रहा है। वैसे ये बहन ही यहाँ रहती है, मैं कभी कभी आते जाते रहती हूँ। बहन अभी गई है समर वेकेशन मनाने के लिए कहीं घूमने,
बाहर आजकल काफ़ी धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, इसलिए लगता है बस झाड़ू पोछा हो जाए 9-10 बजे तक और फटाफट से सारी खिड़कियाँ बंद और पर्दे वर्दे लगा के तब थोड़ा सा अंधेरा करते हैं घर के अंदर, तब अच्छा लगता है। तो अब मैं काफ़ी थक चुकी हूँ इसलिए मैं पी रही हूँ पानी, थोड़ा सा जो है 5 मिनट रेस्ट, और अब मेरा जो है लंच की तैयारी हो रही है। ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया है और अब मैं बना रही हूँ दिन के लिए दाल, और आज मैं मिक्स दाल बनाने वाली हूँ। और अब मेरी जो है दाल की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो दाल तो मेरी उबल चुकी है और अब मैं जो है दाल में तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ। और काट लिए हैं 1-2 प्याज, लहसुन, मिर्च, और एक साथ में मेरा बन रहा है एनर्जी ड्रिंक। मेरा कभी भी मन करता है चाय पीने का तो मैं बना लेती हूँ, जिससे मतलब मुझे अच्छा लगता है, मैं कभी भी जब भी मेरा मन करता है मैं चाय बना के पी लेती हूँ। अभी दिन के 12:30 बज रहे हैं, बट कोई बात नहीं, मुझे मेरा मन कर रहा था चाय पीने का सो मैं बना रही हूँ। तो लहसुन, मिर्ची, प्याज ये फ्राई हो चुका है और अब मैं इसमें डाल देती हूँ मसाले, और नमक मैंने पहले ही डाल दिया था दाल को उबालते वक्त। तो अब इसमें हल्दी मिर्च और डाल दिया है 2 टमाटर, बस इसको थोड़ा सा पकने देती हूँ, तब तक कर लेती हूँ सैलेड की तैयारी। तो मैंने यहाँ पर 2 खीरे काट लिए हैं और 1 प्याज काट लेती हूँ। और कहा जाता है कि गर्मियों में सैलेड खाना चाहिए, लेकिन प्याज इम्पोर्टेंट है, प्याज ज़रूर खाना चाहिए, जो कि लू लगने से बचते हैं। तो लगभग जो है दाल का तड़का तैयार हो चुका है और अब इसमें डाल देती हूँ दाल और इसको 5 मिनट मैं पका लूँगी फुल आंच पे। और साथ में बन रहे हैं चावल, और अब हमारा खाना हो चुका है रेडी। तो अब मैं दाल, चावल और सलाद, अचार, इस सब के साथ हम लोग दिन का आज का हमारा ये लंच बना है, और साथ में थोड़ा सा दही, और मम्मी को खाना दे चुकी हूँ। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ नए व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।